नमस्कार, मैं अजय। लो जी, कर डे हम भी हो लिए, कर डे नेता भी हो लिए, कर डे सारा सौदा खड़ा हो लिया। ये देश की निगाह इस चुनाव को, प्रदेश को ऊपर देखी, जांच कर दी, जम्मू कश्मीर का भी और जी आपका हरियाणा का भी। यानी हरियाणा चुनाव और सीट बना हुआ था पूरे प्रदेश के लिए, 90-90 विधानसभा की सीटें, यानी एक एक सीट, एक एक चेहरा लड़ा था और उसके साथ में उसके कार्यकर्ता लड़े थे। लेकिन पता चलता ही नहीं है जी कौन लड़ा था, कौन जीतना था और किसकी विजय श्री थी। अब मैं मेरे शहर की बात करूं तो माननीय चौथी बार के विधायक बने रंजन दास राव, तो बड़े सौभाग्य की बात है शहर के लिए। और जिस प्रकार से शहर के अंदर उनका विरोध था वो भी दर्शाया जा रहा था, एक होता ही जी तो वो दिख रहा था। लेकिन बस ये है कि चौथी बार जीत दर्ज करी, और इतनी जीत दर्ज करी कि सबके तोते से खड़े कर दिए, चाहे किसी समाज के थे, चाहे किसी नेता के थे, चाहे किसी व्यक्ति के थे। लेकिन ये जी चुनाव बस आराम पूर्वक और बड़ी शांति पूर्वक से हमारा अभिमान्य चुनाव छूटा। बाकी 90-90 सीटों में ये रहा तो कामरेड है ओम प्रकाश जी, आप जान लें अपने सर आने का कारण तो बुझ बुझुगा। ये 57-55-50 करने वाले लोग वो सोता है कौन है? कमल साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार अजय भाई, आप जेएनसी को और उसके दर्शकों का स्वागत है और धन्यवाद करते हाँ तो नहीं उतरेगी खाट पे, क्योंकि अपना पारंपरिक वो है हैं। हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल सब बड़ा जुड़े हुए हैं, इसको बोले जाओ तो हाल उतर जाए। तो बताओ कमल साहब, जो के चुनाव खेला, किस तरह खेला हुआ और ये जो खेला है आपके समझ में आया या नहीं आया? देखो अजय भाई, हरियाणा में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको जिस पार्टी के राज को हराना चाहते थे लोग, और वो तीसरी बार सत्ता में आ गए। ये इनका पुराना खेल है जो जाति और धर्म का ये इस्तेमाल करते हैं। मैं तो शुरू से कह रहा था कि हमारे नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को और जो भी सहयोगी थे हमारी, सीपीएम सीपीआई थी, वो उनको सजग रहना चाहिए था, और सजगता से ही सारी 36 बिरादरी को साथ लेकर इनको हराया जा सकता। लेकिन इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन लोकसभा में बनाया था वो, उसकी एक दो पार्टियां चली गई थी, वो एडजस्टमेंट हो जाता तो ये स्थिति ना रहती और बेहतर होता। लोगों को ये होता भी इस विपक्ष सारा इकट्ठा है, अब ये नहीं हो पाया सर। तो ये हमारे लिए फैक्टर क्या चला जो देखो, इसमें जो पुराना खेल है बीजेपी का, तो वो जनता के मुद्दे नहीं रखती, रोजी रोटी, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं, ये वो कभी नहीं रखते। जब वो हमेशा तिगड़मबाजी करके जातियों का खेल खेलती है, जब और जातियों के खेल को अगर नेतृत्व तो ठीक समझ लेता तो उसका मुकाबला कर पाता। वो दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वो उसके खेल को समझ नहीं पाया। लेकिन चलो आपने कहा बात तो करे तो करा, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी बापू बेटा पार्टी बन के रहेगी फिर? एक जब पता है कि हरियाणा में जाट नॉन जाट के चुनाव चल रहा है और वो फिर उसको नारा दे दिया गया बापू बेटे पार्टी, हाँ या ना? देखो कांग्रेस का सामूहिक नेतृत्व तो ही इकट्ठा रहता तो वो ज्यादा कारगर होता है, होता वो हमारे अचानक समान ही शैलजा है। जी को हाँ दरकिनार करना, देखो अचानक सुरजेवाला को दरकिनार करना, ये बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे सम्मानित हैं, उनका बेटा भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन सारी लीडरशिप को साथ रखें और इकट्ठे होके जाते और किसी तरह का कोई मतभेद ना दिखाते तो उसका अलग ही। तो कैसे कांग्रेस साहब, हरियाणा जनता कौन सा बाबू बेटा पार्टी बन कांग्रेस रहा है, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं लोग, लेकिन बाबू बाबू बेटा ज्यादा लाश ना रखी, ये मत कैसे समझ सकते हैं? देखो ऐसा है जी, देखो लड़ाई तो लड़ी है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं और हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो बेहतर ढंग से, लेकिन हरियाणा के लोग उनकी लड़ाई मांगा है को नहीं? हाँ नहीं वो सही है बात की, ये बेहतर ढंग से हमारी शैलजा भी नेता है, दूसरे भी नेता है, तालमेल करके और समन्वय बना के अगर बीच में जाते तो ये खेल नहीं पाता। साहब एक ही सिस्टम और सोशल मीडिया पे चलता चलेगी कि ये दशा भी नहीं चाहते थे कि 45-46 सीट हमारी ऊपर आवे और कोई और मुख्यमंत्री दावेदार ठोका है, और ये निगरी है कि उड्डा साहब की सोच थी कि 45-46 सीट आ जाइयो, मैं मुख्यमंत्री तैयार हूँ अगले मेरा 5 साल कर लेगा, ये सोच मेरा चला हुआ है, नहीं ये ये चलता इस तरह की? नहीं ऐसे भाई, ये तो अफवाहें हैं, पता नहीं क्या क्या अफवाहें चलती हैं।
कोई भी नेता अपनी पार्टी में ये नहीं चाहेगा कि मेरा कम बहुमत आए। देखो विधायकों में ज्यादा सीटें उन्होंने बांटी हैं, उनके आदमी भी हैं, ऐसा नहीं दूसरों को भी दी हैं, तो ये अफवाहें चलती हैं, इनमें कोई दमबाजी नहीं होती। कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि मेरी पार्टी आ रही थोड़ी सीटें आए, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। कोई नेता ये भी नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री सीट भी कोई और जावे, ये कैसे आकांक्षा अपने आपके आकांक्षा को आगे रखते हुए जनता की हित को न रखते हुए पार्टी के हित को आगे दरकिनार कर दे। देखो कांग्रेस नेतृत्व ने बाकायदा ये कहा था कि भाई जनता के बीच में किसी एक नेता के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री, उन्होंने सामूहिक ही रखा था। और ये बिल्कुल विधायक बहुमत में आकर के वही नेता चुनते हैं, वो किसी को भी चुन सकते थे। तो ये ज्यादा रूमर फैल गई क्योंकि देखो ज्यादा प्रभाव तो है, देखो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, वो दौरे भी ज्यादा किए उन्होंने और ज्यादा लोग मानते भी हैं। हमारी शैलजा भी बहुत बड़ी नेता है हरियाणा की, तो ये तो मिल बैठ के हो जाता है। लेकिन कमल साहब जिस प्रकार सात सीटों की बात आ रही है आम आदमी पार्टी की दिक्कत जा रही थी, आज वहाँ वहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे कोई 39 फुट जा रहे हैं, कोई 2000 फुट जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करके 2000 वोट दे रही है। नहीं ये तो मुझे पहले ही आशंका थी, मैंने एक दो वीडियो पहले भी आपको दिए हैं कि जो भाजपा विरोधी वोट थे कम से कम उन पार्टी जो लोकसभा में इकट्ठी थी उनका तालमेल रहना चाहिए था। कोई बात नहीं 5-4 सीटें उनको दे देते तो वो हमारे साथ आ जाते और वो आपकी तरफ की सीटें बढ़ाने काम करते। हाँ घटाने का काम नहीं करते, घटाने का काम नहीं करते। और ये जो हमारा गठबंधन था ये और मजबूत होता। ये एक तरह से राजस्थान में जैसे विधानसभा में नहीं हुआ, उन्होंने भी बड़े अच्छे काम कर रखे थे गहलोत जी ने, जब तमाम समाज कल्याण की योजनाएं लागू की थी, लेकिन वो तालमेल नहीं किया। लोकसभा में किया तो 9 सीटें कांग्रेस की आ गई और 2-3 सीटें जो ना सहयोगियों की आ गई। तो ये तालमेल का युग है, तालमेल करके ही हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, उसका फायदा उन्होंने लिया। तो क्या सकते कामर साहब, अब बाबू बेटा पार्टी ना समझ गए इसको, वास्तवता में जो मजदूर कमेरा गरीब तकबा उसकी पार्टी कही जाए, या कोई छाप ना सब लोग नेता की कि आम हाथ तो सीएम हाँ और सीएम हाँ तो सारा होता अपना हाथ में है, वो सोता खत्म कर दिया हरियाणावासियों ने, मुंह पर तमाचा मार दिया कामरे साहब। देखो हरियाणा में जो 10 साल का जो अत्याचारी शासन रहा है बीजेपी का, रोजी रोटी पर भी हमला किया है, हमारी एकता भी तोड़ी है धर्म और जाति के नाम पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता जो निर्णय देगी, देखो जनता का निर्णय तो सर्वोपरि है, वो एक नेचर है, उसको हम गलत नहीं बता सकते। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 साल के अत्याचारी शासन, सभी तो लड़ रहे थे, किसान भी, मजदूर भी, महिलाएं भी, छात्र, नौजवान, कर्मचारी भी, सब मुक्ति चाहते थे, लेकिन वो आपसी फूट की वजह से दोबारा फिर बैठे। लेकिन बाबू बेटा कौन चाहो, नहीं ऐसा नहीं है, वो कई बार अजय भाई इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अभी बात नहीं, वो आने का डाल का है, अगर 8 से 10 हज़ार वोट दिए हैं कम सतवीर रहते रहे और वो अगर उस प्रदीप नरवाल के आती है टिकट दी जाती है तो नहीं जीतता। अच्छा जी अब आपकी दादरी की लगा लो, अब आपकी बालडे की लगा लो, अब आप तोसाम की लगा लो, तो कहीं ना कहीं और आप भिवाड़े की आपकी तो ईमानदारी लड़ रही थी, बाकी नेता भी खड़े ईमानदारी लड़ रही। देखो वो तो अलग अलग व्यक्ति तो होता है, जब ट्रेंड ही ये चल गया, मतलब बीजेपी ने जो टिकट तो कमरे साहब आप लोगों ने चलवाया था, सोशल मीडिया है, सट्टा बाजार है, 50% तो सारे लोग ही खेल थे, कांग्रेस के मान चुके थे नहीं, लेकिन जो अंदर का जहर था लोगों का, चाहे वो जाट नॉन जाट की बातें थी, वो लोगों ने उजागर कर दी, वो वोट के बाद उजागर करने का काम किया। देखो मैंने तो आपके पहले भी जो वीडियो में बात कही थी कि बीजेपी बहुत सातिराना ढंग से काम करती है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे कॉमरेड लोग तो समझते हैं, लेकिन कई बार लोग जो है अति उत्साह में जो है इतना वो हो जाते हैं, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मुझे तो ध्यान था, मुझे सारी बातों का ध्यान था, लेकिन कई बार वो अति उत्साह में इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मैंने तो देखो 36 बरादरी ने मेरे को वोट दी है और मैं तो भिवाणी की जनता का एहसान नहीं भूल सकता। हमारे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक बिरादरी से दूसरे को बेचारे रो रहे, वो ये चाह रहे थे भी कांग्रेस जीत जाए, तो मैं तो किसी का एहसान नहीं बोल सकता। मेरे को 34,300 कुछ वोट आए, तो मैं तो एक तरह से अब भी मैदान में रहूँगा उनके लिए, जो भी समस्या आएगी उनके लिए बीच में रहूँगा। और
हमने तो घनश्याम जी को भी ये कहा, मेरे जो प्रतिद्वंदी थे जिन्होंने जीत की बधाई भी दी उसको, और ये भी कहा भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, लंबी उम्र हो आपकी, और जो भी सहयोग चाहिएगा मैं एज ए विपक्ष के तौर पर आपका पूरा करूंगा। मुझे व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, जनता का निर्णय वो सिर पर है और जनता कोई निर्णय गलत नहीं करती है, मैं तो सम्मान करता हूँ, लेकिन जो लोगों ने मुझे सम्मान दिया मैं कभी भूल नहीं सकता। तो गई बुंडी देखो भाई, तो बिवाणी में जाति समीकरण चले ना, कोई बात चली ना कोई सिस्टम चलिया, और उस नेता को बिठाया गया सबसे ज्यादा विरोध था। देखो विरोध था जनता का, लेकिन कई फैक्टर काम करते हैं अजय भाई उसमें, क्या फैक्टर काम? उसमें कई बार जो है पैसा भी फैक्टर काम करता है, दूसरी चीजें भी काम करती है, रसूख भी काम करता है, और जो समाज का एक तबका जो बड़ा तबका होता है समाज को जो जिस तरह से प्रभावशाली लोग होते हैं वो फैक्टर भी काम करता है। तीन टर्म से विधायक थे उनका एक्सपीरियंस भी काम करता है, कहाँ क्या है किस तरह का मूड है वोटर का, और वो जो वो फैक्टर भी काम किया जिससे कांग्रेस आ रही है। विरोध था कमल साहब, तो विरोध बोल रहा था है शहर, तो विरोध बोल रहा शहर विरोध में बोल रहा था, लेकिन फैक्टर कौन सा काम कर रहा है? अनेकों फैक्ट्री है अजय भाई, झूठा करो देखो के बताओ। देखो वो करो क्रांतिकारी नेता है, मैं समझ गया। देखो हमारे पास तो पैसा नहीं था, था तो भी हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते, हम किसी को नशे के लिए पैसे के लिए कभी विश्वास नहीं किया, हमने तो ईमानदारी से काम किया है, और ईमानदारी से किया है इसलिए हम मान लिया पैसे से करते तड़के कमाने के लिए भी सोचते भाई उतने पैसे खर्च हो गए। आप जैसे पत्रकारों को भी हमने कुछ नहीं दिया, बेचारों ने बड़ी मेहनत की, और वो अरबपति पार्टी है भाई, वो तो सट्टा भी लग गया है उसमें भी वो ले लेते हैं, उसका मुकाबला तो जनता ही कर रही थी, और जनता का बड़ा हिस्सा है। मेरी अप्रोच भी नहीं थी, आपको जिन जिन कॉलोनियों में मैं गया हूँ जहाँ सीवरेज और पीने के पानी के लिए लड़ा हूँ उन लोगों ने दिए हैं वोट, जहाँ मेरे को जानते नहीं ये ऊपरी हवा से ईमानदार है ईमानदार है, जहाँ प्रैक्टिकल काम करना चाहिए जहाँ संगठन होना चाहिए वो कमजोरी थी। अब भाजपा का ढांचा है भाई, उसका संगठन है, वो मतलब हर आदमी के अप्रोच करते हैं, तो इसलिए हम सब कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेता थे वो अपनी भूमिका कहीं और निभा रहे थे, अगर यहाँ पे निभाते तो आपको जान पहचान बन जाती, लोग आपको दलने भी लग जाते। देखो ये भी कमी रही। देखो अजय भाई, कांग्रेस के लोगों ने हालांकि बेचारों की टिकट भी कट गई थी, 34 आदमी ने अप्लाई कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोगों ने मेरे लिए बड़ी मेहनत की, मेहनत करी कि वो साथ रहे, अब वो साथ रहे। अब अजय भाई देखो 14 में कांग्रेस के 10-12 हजार वोट आए थे, 2019 में 19 हजार वोट आए थे, ठीक है ना, भारद्वाज जी के 34 हजार वोट आए थे, तो अपने 34 हजार से ऊपर वोट आ रहे, तो कांग्रेस के लोगों ने मदद की, तभी हमारा क्या वोट था, हमारा तो 2-2.5 हजार वोट आता, तो ये कांग्रेस की टिकट मिली, कांग्रेस के लोगों ने सहयोग किया, उसी की बदौलत ये 34 हजार कुछ वोट आए, और वहाँ भी थोड़ी बहुत छवि काम करती है, छवि ना हो तो वो भी नहीं आती। फिर से आए शहर ने वही सोने वाला एमएलए बना दिया, क्योंकि शहर के लोग कहते हमारा एमएलए सुतर है, क्या मानते हैं? देखो तो अभी सो होगा या भी वास्तव तो में दिल से काम करवाओगे, दिल से काम करा तो लगता नहीं कि वो व्यक्ति अमर हो जाएगा, काम के भी अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। देखो भाई अजय भाई ऐसा है, वो सही है आपकी बात है, अब उसको थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि भाई कामेड फायदा उठा ना उठा ले, लोगों के बीच में जाएगा, लोगों की बात सुनेगा, और मैंने तो उसको बधाई दे के ये कहा है कि श्री घनश्याम जी आप मेरे छोटे भाई हो, आपसे अपेक्षाएं बहुत हैं लोगों को, और आप दिन रात एक करो, मेरा सहयोग मैं तैयार, और मैंने कामना भी की आपका स्वास्थ्य ठीक रहे ताकि आप लोगों के काम स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। हाँ कोई भी व्यक्ति हो, और मुझे लगता है आप कुछ करेगा, सरकार उसकी हारी हो सकता है, मंत्री भी बन जाए, ये भिवाणी की जनता के लिए अच्छा होगा, अच्छा होगा और मुझे खुशी होगी, कुछ हाँ, मिल पाएगा शायद, हाँ, मिल पाएगा, काफी सालों से त्राई मात्रा लोगों से है, लोगों से जनता की समस्याएं हल हों, भाई घनश्याम जी सत्ता में रह के करवा दें तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और जो भी दिक्कत आएगी मैं तो देखो जिसा भी प्रशासन मानेगा, मैं तो विरोधी पार्टी का आदमी हूँ, ठीक है प्रशासन मेरी इज्जत करता है, मैं भी उसके प्रति कर्तव्य हूँ, जो भी दिक्कत आएगी तो मैं खड़ा भी रहूंगा और लोगों को बताऊंगा भी आप इस तरह से हल करवाएंगे, मंत्री के पास भी जाएंगे, हमारे विधायक के पास भी जाएंगे, मुझे कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई संकोच नहीं है। तो कमल साहब, हाँ, आज हरियाणा प्रदेश ने जिस हालात की बात करें उसमें हरियाणा प्रदेश ने बापू बेटा को नकारा है, कांग्रेस पार्टी को नकारा है? देखो बापू बेटे भी भाई नेतृत्व तो कांग्रेस का ही कर रहे थे,
एक तरह से कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं रणनीति इनकी समझने में थोड़ी दिक्कत आई है। बस हो सकता है एमबी हो गया हो, भाई लोग बहुत जाते थे जलसे में और स्टेज पर भी बहुत लोग होते थे, तो कहीं ना कहीं गैप रहा है, एम पढ़ दिया, मतलब उसको क्या कह सकते हैं भाई, समझ में कहीं ना कहीं गैप रहा है। एम तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे तो नेता है, एम का जिक्र किया ना, हाँ वो चलो थोड़ा सा ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, भाई लोग हमारे साथ हैं और इस बार सत्ता आ जाएगी। लेकिन लोगों ने तो कॉन्फिडेंस काट दिया सारा, भाई जनता तो प्रदेश भाई, जनता तो ऐसे भाई जीरो से हीरो बना सकती, हीरो से जीरो, अब तो जीरो तो हीरो बन गए शहर के लिए, पहले भी हीरो थे अभी हीरो बन गए या डबल हीरो बना दिए। नहीं मैं तो देखो मेरी जनता के लिए मैं हमेशा, जैसे वो मैंने बताया जल और मछली का संबंध है, जनता के बीच में नहीं रहूंगा तो मर जाऊंगा, तो आप जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रहूंगा और जहां भी दिक्कत आएगी खड़ा जरूर होऊंगा, कोशिश जरूर करूंगा, चाहे वर्तमान विधायक और मंत्री जो बनेंगे उनसे मदद लेनी पड़े, प्रशासन से मदद लेनी पड़े, हम लोगों के जो समस्या है उसको हल करवाने में हम भरसक प्रयास करें। चलो अब मैंने एमएलए के रूप में एक नेता और मिल गया, एमएलए इसलिए कह सकता हूँ कि अगर छह के नंबर की बात हुई संत दास के बारे में तो इनका नंबर आता जी, तो ये विपक्ष के नेता की भूमिका निभाए, जिस प्रकार से राहुल गांधी आज पार्लियामेंट के अंदर बैठ के भूमिका निभाने का काम करते हैं विपक्ष का, तो उसी प्रकार से विपक्ष का मुझे स्ट्रॉन्ग नेता मिला। अब जगह जगह पर जहाँ जहाँ समस्या होगी मैं उनको फोन करने का काम करूंगा कि सर आए देखें और करने का काम करेंगे कि शहर की मांग डिमांड यही है। अब पता नहीं जी शहर ने क्या आधार पे अब की बार चौथी बार एमएलए बनाने का काम किया और बनने के बाद में गंजनता शराब का क्या आधार रहेगा इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए, क्योंकि शहर में तराई माम पानी की भी है, तराई माम सीवरेज की भी है, तराई माम तरम गाँवों के अंदर सिंचाई पानी की भी है, यानी यह है कि तराई माम ज़्यादा है और एमएलए का काम छोटा सा है, या मिले जाओ कुछ भी कर सकते। देखो मैं ये तो नहीं करता भाई सब कुछ कर देगा, लेकिन जो सरकार से इमदाद जो लोगों के लिए कर सकता है उसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास, जेपी दलाल जी जंगल मंगल कर सके, पानी आगे टल तक पहुंचा सके है तब फिर भी आगे पीछे नहीं, हाँ चाहे तो कुछ भी हो सकता है। देखो जेपी दलाल बहुत थोड़े अंतरों से आ रहे हैं और वो कई बार बड़बोलेपन की वजह से, आपने कहा था हाँ बिल्कुल, उनका व्यवहार अगर ठीक होता तो वो हारता था। चलो जी अब हारने का मंथन ये रहा, चाहे वो बाबू बेटे की वजह से आ रहे हो, चाहे भाजपा का जो माया जाल है जाति समीकरण का हो उसके ऊपर आ रहे हो, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं अब की बार हरियाणा प्रदेश को ये आस नहीं थी कि इस तरह का काम भी हो जाएगा, यानी ये है कांग्रेस के लिए तो ये कांड ही हो गया, कांड साहब कांड सा है इसका, तो कांड बड़ा की कांड होगा, वो तो कांड कह लो उसको कुछ भी कह लो, किसी का जचा नहीं थी कांग्रेस हार जाएगी, कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मेरे को लोगों ने ठीक है भाई वो जो ने मेरे को 34,000 कुछ वोट दिए हैं उसको 67 या जो भी 35,000 का जो अंतर आया है, मैं अपनी हार नहीं मान रहा, जीत मैं लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि जो प्यार मेरे को भिवानी की जनता ने दिया है शायद ही किसी नेता को दिया, 36 बना दी। चलो जी अब मैं एक बात कहता हूँ, आर के जितने वाले को बाजगर कहते हैं, तो कामरेड साहब अब हमारे लिए बाजगर का काम करेंगे कि आर के जितने वाले ये व्यक्ति हैं जी इस भिवानी हल्के के अंदर, इस भिवानी शहर के अंदर, तो जे एन सी नो से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।